अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एग बिरयानी, अंडा बिरयानी। ये चिकन मटन बिरयानी से कम नहीं होता इसका टेस्ट, ये उतनी टेस्टी होती है। तो उसके लिए लिए हमने 500 ग्राम बासमती राइस, इसको हमने आधे घंटे से पानी में रखा है भीगने के लिए। और 5 अंडे लिए हमने, उसको बॉईल कर लिया है। देखिए बॉईल करके हमने अंडे को रखा है। 100 ग्राम दही लिया हमने, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 नींबू का रस लिया है, 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 हमने प्याज ली, 2 टमाटर इसको लंबी लंबी स्लाइस में कट किया है, नमक लिया है टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, 1/2 चम्मच कलर है, 1/2 गड्डी है पुदीना, 1/2 गड्डी हरा धनिया, 4 हरी मिर्च, फ्राई की हुई प्याज। इसका वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो किस तरह से प्याज फ्राई करना है। खड़े मसाले में लिया हमने 2 तेज़ पत्ता, 3 दालचीनी के टुकड़े, 4 हरी इलायची, 4 लौंगे, 2 स्टार फूल और 1 चम्मच फूल भरकर हमने ज़ीरा लिया है। और ये तेल लेने वाला चम्मच हमारा, इससे हम 3 चम्मच तेल और 3 चम्मच घी लेंगे। देखिए पतीले में हमने पानी रख दिया है गरम के लिए, चावल बॉईल करने। पानी हमारा गरम हो चुका है, नमक डाल देंगे। नमक ज़्यादा ही डालना होता है। चावल डाल देंगे, इसका पानी फेंकना होता है, इसके लिए थोड़ा नमक ज़्यादा ही डालिएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 80% बॉईल कर लेंगे। देखिए आधा ढक्कन ढकेंगे। देखिए 80% कुक हो चुके हैं हमारे चावल, आप देख सकते हो। अभी हम इसको छान लेंगे। देखिए पैन में हमने 4 चम्मच तेल और अंडे को डाल दिया है। अंडे को हमको फ्राई कर लेना है 2-3 मिनट, थोड़े से उसको ब्राउन कर लेंगे। देखिए 2-3 मिनट हमने अंडे को फ्राई कर लिया, अब इसको निकाल देंगे। देखिए 2 चम्मच घी हमने इसी में डाल दिया है, 1 चम्मच हम बाद में डालेंगे, खड़े मसाले डालेंगे। 1-2 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए 2 मिनट हमने फ्राई कर लिया है, गैस हमने मीडियम ही रखा है। प्याज डालेंगे, प्याज को थोड़ी सी ब्राउन कर लेंगे। देखिए प्याज हमारी थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी है, थोड़ा इसको साइड में कर लेंगे। और अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, तो तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 मिनट कच्चापन जाने तक। देखिए 2 मिनट हमने अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसको मिक्स कर देंगे। हरी मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर डालेंगे, देखिए टमाटर डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले ना। अभी मिर्ची का कच्चापन जाने तक और टमाटर सॉफ्ट होने तक इसको 4-5 मिनट अच्छे से भून लेंगे। देखिए 4-5 मिनट हमने अच्छे से भून लिया है, मसाले का भी कच्चापन चला गया, टमाटर भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। अभी थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना इसके अंदर डालेंगे, नींबू का रस, दही, अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए दही डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। अच्छे से मिक्स कर देंगे।
देखिए फ्राई किए हुए अंडे डाल देंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अंडे डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अभी इसको हम ढक देंगे, ढककर स्लो फ्लेम पे 4-5 मिनट पकने देंगे। देखिए 4 से 5 मिनट हमने इसको स्लो फ्लेम पर पकने दिया है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये पककर तैयार हो चुका है हमारा मसाला। अभी हम इसको साइड में रखेंगे और जो हमने चावल बॉईल किए वो एक पतीले में डाल देंगे। देखिए आधे चावल हमने पतीले में डाल दिए है, इसके लेयर लगाएंगे, आधे हमने बचा लिए, दो लेयर लगाएंगे हम, जो मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे। गैस हमने स्लो फ्लेम पर रखा है, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, फ्राई की हुई प्याज, जो चावल हमने आधे बचा लिए अभी वो डाल देंगे। देखिए डाल दिए हमने सभी चावल। देखिए घी डालेंगे हम, देसी घी है हमारा, इस तरह से फैलाएंगे सब तरफ डालकर, इससे बहुत चमकदार चावल हो गए। अभी मसाला डालेंगे, देखिए डाल दिए हमने मसाला, हरा धनिया डालेंगे, पुदीने के पत्ते, फ्राई की हुई प्याज, कलर में हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, एक साइड में डाल देंगे किधर भी। देखिए ढक्कन के ऊपर कपड़ा लगाएंगे और इसको ढक देंगे, कपड़े के साथ में ढकेंगे। प्लेट पर कपड़ा लगा दिया हमने, अभी हम स्लो फ्लेम पर चावल को दम पे आने देंगे। देखिए स्लो फ्लेम पर हमारे चावल को दम होते हुए पूरे 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए चावल हमारे बहुत अच्छे से दम हो चुके हैं, आप देख सकते हो। इस तरह से एक साइड में डालोगे तो अच्छा रहता है, नहीं तो पूरे चावल में फैल जाता है कलर, तो अच्छा नहीं दिखता है, इसके लिए हम एक साइड में डालते हैं हमेशा। देखिए चावल हमारा टूट रहा है। देखिए चावल हमारे अच्छे से दम हो चुके हैं, इसी तरह से एक साइड से ही देखना है, सब तरफ से नहीं देखेंगे। अभी हम गैस बंद कर देंगे और आपको सर्व करके दिखाएंगे। एक बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है, ये लीजिए बनकर तैयार एक बिरयानी। आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत बहुत टेस्टी लगती है।
तो हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमेशा की तरह अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेजते रहिए। इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई कीजिए, इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। अगर आप फेसबुक पे हो तो हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जाकर लाइक कीजिए। और हमारी रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स में आपके फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।